हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफटी। आई एम पवन ओंकार बैक विद अंदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं DIY टॉप फिल्टर जो हमारे एक्वेरियम में लगाया है। सो फ्रेंड्स, और इसके साथ आप लोगों को बताऊंगा कि और किस तरह से आप लोग जुगाड़ करके आपके DIY टॉप फिल्टर को बना सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में। तो चलिए सो फ्रेंड्स, दिखाते हैं कि आपको टॉप फिल्टर कैसे बनाना है DIY तरीके से। पहले आप लोगों को बताता हूँ सो फ्रेंड्स कि आपके पास इंटरनल फिल्टर है और इसको आप लोग कैसे टॉप फिल्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंटरनल फिल्टर है मेरे पास जो इसके दो आउटपुट्स है। आप लोग सिंगल आउटपुट है तो भी चलेगा, आप लोगों को बस ऐसा एक पाइप लेना है। सो फ्रेंड्स, पाइप लेके ऊपर एक बॉक्स लटकाए हुए देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, एरो मार्क दिखा रहा हूँ वहाँ पर, तो दिखा देता हूँ आप लोगों को पहले ही। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बॉक्स जैसा बनाया और इसमें सो फ्रेंड्स होल्स किया हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा आउटपुट निकलता है तो इसके अंदर आप लोगों को स्पॉन्ज है। सो फ्रेंड्स, आप लोग दिख रहा होगा, तो ये देखिए सो फ्रेंड्स स्पॉन्ज है। तो स्पॉन्ज से हमारा वाटर क्लीन होके नीचे गिरता है और इसके साथ सो फ्रेंड्स जो अभी ये पाइप है सो फ्रेंड्स, तो इस पाइप से हमारा पानी इस बॉक्स में आता है। तो ये दो आउटपुट वाला पावर हेड है सो फ्रेंड्स। तो ये आप लोगों को अराउंड 400 रुपीज़ आप लोगों को एक्वेरियम शॉप में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इससे भी सस्ता चीज़ें करना है सो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को अब नेक्स्ट दिखाता हूँ जो अराउंड 300 रुपीज़ में आपके टॉप फिल्टर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए पॉन्ड की तरफ चलते हैं, आप लोगों को वहाँ पर दिखाऊँगा। तो ये देख सकते हैं सो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉन्ड है। पॉन्ड का जो अभी फिशेस नहीं है सब कुछ अंदर ट्रांसफ़र किया हूँ, बिकॉज सो फ्रेंड्स हम लोग पॉन्ड को शिफ्ट करने वाले। तो ये देखिए, ये हमारा पंप है। तो अराउंड ये मुझे 150 रुपीज़ तक मिला था। तो आपके शहर में प्राइसेस के डिफरेंसेस हो सकते हैं। और इसके साथ ये देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा पंप है और ये सो फ्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी से पानी फेंकता है, मतलब ज़्यादा पानी फेंकता है। और इसके साथ सो फ्रेंड्स इसका फोर्स भी ज़्यादा है। तो आप लोग ऐसे पंप लगा रहे तो थोड़े बड़े साइज़ का बॉक्स वगैरह लीजिए। और बड़े वाले साइज़ का बॉक्स मतलब जिसे देख सकते हैं, मैंने एक बॉटल रखा है, बड़ा वाला डब्बा रखा है। तो इसके बदले आप लोग स्क्वेयर साइज़ के बॉक्स आते हैं सो फ्रेंड्स, जो प्लास्टिक बॉक्स आते हैं आप लोग उसको रख सकते हो। जैसे आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ऐसे बॉक्स को आप लोग लेके एक साइड आउटपुट करके उसके बाद ये पंप आप लोग जोड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, टॉप फिल्टर मतलब इतना ही होता है, इसमें एक पावर हेड लगाया होता है नीचे और उसके साथ ऊपर एक बॉक्स होता है, बॉक्स में स्पंजेस वगैरह होते हैं। तो उस स्पंजेस के पानी निकल के आपके पानी साफ़ होके और नीचे गिरते हैं। मतलब टॉप फिल्टर मतलब पानी एक्वेरियम से बाहर निकल के साफ़ होके फिर से एक्वेरियम के अंदर आता है। तो ये हम हो गया हमारा टॉप फिल्टर सो फ्रेंड्स, जो DIY तरीके से आप लोग बना सकते हो। आप लोगों को दिखा दिया, उतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है सो फ्रेंड्स। एक बॉक्स चाहिए और एक पावर हेड चाहिए और उसके साथ उसको उतने जो भी आपके लेंथ है एक्वेरियम का उतना पाइप चाहिए जो आपके फिल्टर और जो दोनों बॉक्स को कनेक्ट कर सके, उतना ज़्यादा लंबा पाइप चाहिए। और ये आप लोग पाइप को जोड़ सकते हो और इसके साथ आप लोग स्क्रू ड्राइवर वगैरह से हीट करके सो फ्रेंड्स आप लोग एक आउटपुट बना सकते हो अपने बॉक्स को। जब आपके बॉक्स में आउटपुट बन जाएगा और उसके ऊपर आप लोग स्पंज भिजा दीजिए, खत्म सो फ्रेंड्स, जो पानी आ जाएगा स्पंज से पानी निकलेगा और आपके वाटर क्लियर हो जाएगा।